दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राजा की वासना और साधु की पत्नी को उठाना। आइए कथा श्रवण करें। एक बार संजय नामक एक शिक्षित व कुलीन व्यक्ति ने संसारिकता का त्याग कर सन्यास मार्ग का वरण किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ सन्यासिनी बनकर उसकी अनुगामिनी बनी रही। अतः दोनों ही एकांत प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक सन्यास साधना में लीन रहते। एक बार वसंत में दोनों एक घने वन में विहार कर रहे थे। संजय अपने फटे कपड़ों को सिल रहा था। उसकी पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानार्थ थी। तभी उस वन में शिकार खेलता एक राजा प्रकट हुआ। चीथड़ों में लिपटी एक अद्वितीय सुंदरी को ध्यानमग्न देख उसके मन में कुभाव उत्पन्न हुआ, किंतु सन्यासी की उपस्थिति देखकर वह ठिठका तथा पास आकर उसने उस सन्यासी की शक्ति परीक्षण हेतु यह पूछा, क्या होगा यदि कोई हिंसक पशु तुम लोगों पर आक्रमण कर दे? सन्यासी ने तब सौम्यता से सिर्फ इतना कहा, मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सन्यासी कोई तेजस्वी या सिद्ध पुरुष नहीं था। अतः उसने अपने आदमियों को साधु की पत्नी को रथ में बिठाने का संकेत किया। राजा के आदमियों ने तत्काल राजा की आज्ञा का पालन किया। सन्यासी के शांत भाव में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब राजा का रथ सन्यासिनी को लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो राजा ने अचानक सन्यासी से उसके कथन का आश्रय पूछा। वह जानना चाहता था कि सन्यासी किस संदर्भ में उसे मुक्त नहीं होने दूंगा कहा था। सन्यासी ने तब राजा को बताया कि उसका वाक्य क्रोध के संदर्भ में था, क्योंकि क्रोध ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। राजा सन्यासी की सन्यास साधना की प्रकाष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने उसकी पत्नी को सादर वहीं रथ से उतारा और पुनः अपने मार्ग को प्रस्थान कर गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।